नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल लर्न सितार में आपको सितार से संबंधित नई नई वीडियोस देते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हर सितार सीखने वाले व्यक्ति तक ये वीडियोस पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको एक नया राग सिखाने वाले हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं राग भोपाली। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको राग भोपाली बजाने से पहले सितार को ट्यून करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो मेन स्ट्रिंग्स है सितार की, जो ये मेन स्ट्रिंग्स हैं आपको दिख रही हैं, इनकी ट्यूनिंग तो ऑर्डिनरी सितार जो हम ट्यून करते हैं वैसे ही ट्यूनिंग होगी, लेकिन जो तरफ जो है ये छोटी वाली खूटियाँ बोलते हैं, इनकी ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट होगी और वो राग के अकॉर्डिंग होगी। देखिए कुछ इस तरह साउंड करेगा। वो साउंड कैसे करेगा, जब आप उसको जो राग भोपाली है उसके स्वरों से मिलाएंगे। और राग भोपाली के स्वर क्या है, सरे गा पा धा सा। मेरा इतना गला आज चल नहीं रहा है और मैं इतना सुरीला भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, सारे गा पा धा सा, अंत वाले सा को उठा देंगे तो पांच स्वर भोपाली बनते हैं। देखिए, सारे गा पा धा। तो इन पांच स्वरों को बजाने से ही भोपाली राग बनता है और इसी प्रकार से इनकी जो तरब है, देखिए इनकी ट्यूनिंग होगी। तो आप पहले इसकी ट्यूनिंग कीजिए अच्छी तरह से। मैंने आपको ट्यूनिंग के वीडियोस ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन जरूर वीडियोस को जरूर देखिए, ट्यूनिंग के वीडियोस, उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप ट्यूनिंग के वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कुछ बेसिक बंदिशें आप कैसे बजा सकते हैं राग भोपाली में। तो देखिए, सबसे पहले मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक तबला है उसको हम चालू करते हैं। ये चल रही है तीन ताल, देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। तो जो इसमें 16 बीट है, 16 बीट है, और हमको अपनी पहली बीट से इसको स्टार्ट करना है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तिन तिन ता। तो देखिए, ये इसका स्थाई है, मैं आपको अभी बजा के सुना रहा हूं, अभी बोल के सुनाता हूं। गा गा रे गा पा धा पा, गा रे सारे सारे गा। ये इसका स्थाई है। देखिए इसका अंतराम बजाते हैं, वो भी सम से, यानी कि पहली मात्रा से देगा। तो देखिए आपने किस प्रकार से हमने बजाया उसको, एक बार मैं आपको बिना तबले के सुनाता हूं। देखिए गा, देखिए आप सेकंड फिंगर का गा पे यूज कीजिए। देखिए फिंगर कैसे, गा गा रे गा पा दा पा, गा रे सा रे सा रे गा। ये आपकी स्थाई है, इसका अंतरा देखिए, गा 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 पा पा दा दा सा सा सा। दोबारा देखिए, गा 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 पा पा दा दा सा 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 धा रे सा गा रे सा रे सा धा सा दा पा गा रे सा गा। तो इस प्रकार से जब ये अंतर खत्म होगा तो अब दोबारा से आपकी बंदिश चालू हो जाएगी, उस समय ही आके खत्म होगा अंतर। गा गा रे गा पा दा पा गा रे। अब बीच में देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड है इसका वेरिएशन ला सकते हैं। देखो अभी सिंपल बज रहा है, देखिए दा रा दा रा दा गा गा रे गा पा दा पा। अब देखिए इसका
अब डबल चला सकते हैं सो देखिए गा गा रे गा गा दा दारा दा दारा दारा दारा। देखिए इस प्रकार से आप इसको तेज चला के दारा दारा करके आप बजा सकते हैं और इससे थोड़ा और सितार का इफेक्ट आएगा। देखिए तो देखिए ये जो इसका जो लेफ्ट हैंड है इसका बड़ा असर होता है सितार में और इसकी बड़ी वैल्यू होती है, तो इसका भी आप प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक तान मैं आपको बताता हूँ, तान आप कैसे बजा सकते हैं इस राग में। देखिए हम तान किस प्रकार से बजा सकते हैं, देखिए सम से उठेगी तान भी। तान कैसे भी आई मैंने इसको आपको सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले गरे 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 गरे, इसके बाद पागा 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 पागा, दापा 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 दापा, सादा 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 सादा, इसके बाद रिपीटेशन एक बार फिर होगा इसका। फिर तीन बार गारे 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 गारे, पहले तब आया फिर गारे गारे, देखिए दो बार गारे गारे, इतना बजाने के बाद फिर इसका तीहा आएगा सा सा धना पापा सारे गा सा सा धना पापा सारे गा, तीन बार तीहा बजेगा, इसके बाद ये तान खत्म हो जाएगी। इस तान में आप देखिए कोई भी गैप नहीं है, देखिए लगातार बजेगी। तो लगातार तान बजेगी, लेकिन इसका जब तिया आएगा देखिए एक यहां पर आपको एक स्ट्रोक देना पीछे की तरफ, देखिए तो आप देखिए इस प्रकार से हम जो ये राग है इसको बजा सकते हैं, बड़ा ही इजी राग है। सबसे पहले आप इसके जो स्थाई अंतरा और इसकी एक तान सिखाई मैंने उसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि आपको आगे भी मैं इसकी कुछ और चीज़ें सिखा सकूं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि वीडियोज़ बहुत लोगों तक पहुँच सकें। तो आपसे हम अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, नमस्कार।